बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की मेरी वीडियो ऑनलाइन कुरान पाक टीचिंग के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मेरे बहुत से बहन भाई जो कि हाफिज़े कुरान हैं, वो मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे कि जो कि ऑनलाइन कुरान टीचिंग के अकॉर्डिंग हो, तो ये वीडियो हाजिर है। और आप यकीन करेंगे कि ये वीडियो इतनी ज्यादा हेल्पफुल होगी कि इस तरह का नॉलेज आपको ना पहले किसी ने दिया होगा। कोर्सेज करवाते हैं वो, तो मैं आपको प्रोफेशनल क्लास लेने का तरीका बताऊंगी। इस तरह की क्लास आपने लेनी है कि स्टूडेंट वो खुद आपके पास पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, कि उसे आपका मेथड ऑफ टीचिंग इतना जबरदस्त लगेगा कि वो खुद कहेगा कि वो आपके पास ही पढ़ेगा। मैं भी कहती हूँ, अब फिर कह रही हूँ कि प्लीज आप कुरान पाक टीचिंग के जो कोर्सेज के पैसे दे रहे हैं वो मत दीजिए। आप फ्री में मेरे चैनल पर आइए और इन वीडियोस को देखिए और अपने ऑनलाइन कुरान टीचिंग को स्टार्ट कीजिए। मैंने सारे कोर्सेज अपने इस चैनल के अंदर रिकॉग्नाइज करा दिए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मैं हूँ हाफिजा सिदरा रफी और ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमने असेसमेंट क्लास कैसे लेनी है। असेसमेंट क्लास इज द फर्स्ट क्लास। बच्चे से आपकी बात हो चुकी है, उन्होंने तो उस बच्चे ने आपसे फर्स्ट क्लास लेनी है, ये याद रखिएगा। असेसमेंट क्लास इज द फर्स्ट क्लास ऑफ द किड। असेसमेंट क्लास में हमने जज करना है, हमने असेस करना है कि वो बच्चा कितना काबिल है, यानी कि उस बच्चे को कितना नॉलेज है और कितना आपने उसको देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। असेसमेंट क्लास के दो पार्ट्स होते हैं। प्रोफेशनल असेसमेंट क्लास इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पार्ट नंबर 15 मिनट्स का होता है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन आंसर बच्चे से करने होते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या सबक है बच्चे का, कहाँ से वो स्टार्ट ले जा रहा है, क्या वो तख्ती नंबर 1 से पढ़ेगा, क्या वो कुछ तख्ती पढ़ चुका है। इसमें आपने ये याद रखना है, जो अक्सर टीचर्स भूल जाते हैं, कि आपने ओनली असेस, डोंट टीच, ओनली असेस डोंट टीच। जो भी मैंने ये राइट किया हुआ है आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा ताकि आपको मज़ीदियन करने में आसानी हो, कि हमने सिर्फ और सिर्फ असेस करना है बच्चे को, हमने टीच नहीं करना, हमने टीच इस लेक्चर में नहीं करना, ठीक है। ये असेसमेंट क्लास है, फर्स्ट 15 मिनट्स जो है उसमें हमने असेस करना है बच्चे को। नेक्स्ट 15 मिनट्स में क्या करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ बताऊंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट 15 मिनट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आप लेंगे अस्सलामु अलैकुम, आप बच्चे से सलाम लेंगे, ठीक है, और साथ ही आप पूछेंगे हाउ आर यू, कि आप कैसे हैं। बच्चा आगे से कहेगा वालेकुम अस्सलाम, आप पूछेंगे हाउ आर यू, बच्चा कहेगा आई एम गुड, आई एम फाइन, जो भी उसका रिएक्शन। के बाद आप उसका नेम पूछेंगे, व्हाट्स योर नेम, आप पूछेंगे व्हाट्स योर नेम, तो अपना नाम बताएंगे। हो सकता है वो कहे माय सेल्फ इज अली, माय नेम इज अली, या जो भी वो अपना नाम बताए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो होगा हाउ ओल्ड आर यू, आप उससे पूछ रही हैं आप कितने साल के हैं, हाउ ओल्ड आर यू। बच्चा आपको जो भी बताए कि आई एम 7 ईयर्स ओल्ड या आई एम 6 या जो भी है वो आप उसका आंसर होगा। नेक्स्ट आपने उससे क्वेश्चन करना है व्हाट ईयर यू आर इन। व्हाट ईयर यू आर इन का मतलब है कि आप उससे स्टडी का पूछ रहे हैं, तो सिंपली जो हम लोग एक बात पूछते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी, आप ये भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सेंटेंस मुश्किल लग रहा है आप अपनी जुबान में पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही करना है, वो आप कौन सा भी सेंटेंस यूज करें वो नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने पूछना स्टडी का है, ठीक है। वो बच्चा कहेगा आई एम ग्रेड 1 या जो भी हो। नेक्स्ट में आपने इन 3 या 4 क्वेश्चन के बाद बच्चे के लिए तावुज खोल लेनी है। ये देखें आपने इस तरह से अपनी स्क्रीन जब शेयर करेंगे बच्चे के साथ, उस टाइम आपने स्क्रीन शेयर करनी है और उसके बाद आपने तावुज और तस्मिया आपने खोल लेनी। पहले तो पूछना है डू यू नो अबाउट तावुज, तो बच्चा कहेगा यस, ठीक यस, तो आप कह सकते हैं कि कैन यू प्लीज, कुड यू प्लीज रीड दिस फॉर मी, आप ये कह सकते हैं कि प्लीज आप मेरे लिए ये पढ़ेंगे। बच्चा हो सकता है कि वो बोशार को कोई अऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सपोज दैट अगर बच्चे को नहीं पता, आपसे ये भी आप उससे पूछ सकते हैं कि ट्रांसलेशन आपको पता है, तो वो बच्चा आपको बता देगा। सपोज दैट बच्चा ऐसा है कि उसको अऊज़ु बिल्लाह भी नहीं आती, तो आप सिंपली उसको पढ़ाएंगे साथ अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, फिर आप उसका ट्रांसलेशन बताएंगे आई सीक रिफ्यूज विद अल्लाह फ्रॉम सैटन द अकर्स्ड, तस्मिया, फिर आप उसका नेम लेंगे तस्मिया का, फिर आप कहेंगे बिस्मिल्लाह रहीम। इस तरह से आपने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक ही बार अगर आप पढ़ जाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो बच्चे को समझ नहीं आएगा, तो आप उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके, नीचे इंग्लिश भी लिखी हुई है इसलिए भी बच्चों के लिए इजी होता है कि ऐसी आप आयत लेंगे ऐसा जिसके नीचे इंग्लिश में भी लिखा हो, तो वो बच्चे समझने के लिए बेस्ट एंड बेस्ट हो जाता है। उसके बाद फिर आप कहेंगे ट्रांसलेशन, बच्चा आपके साथ साथ रिपीट कर रहा है, इन द नेम ऑफ गॉड मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट कंपैशनेट,
तहफ्फुज़ अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह के बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है वो होगा आपने दुआ ऑफ नॉलेज इस तरह से बच्चे के आगे शो कर देनी है। अऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह के बाद आपने दुआ ऑफ नॉलेज शो कर देनी, फिर आपने ये इसके पढ़ना है रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस तरह से आपने सिलेबल्स के साथ इस तरह से ज़िदनी इल्मा के तीन जो बन रहे हैं पार्ट्स के साथ आपने इसको पढ़ना है। इसकी ट्रांसलेशन बच्चे के साथ पढ़नी है, यानी आप भी पढ़ेंगे और साथ में बच्चा भी पढ़ रहा है। ओ माय लॉर्ड इंक्रीज मी इन नॉलेज। और इसके बाद एक और चीज, जैसे जैसे आपने तहव्वुज और तस्मिया अपने बच्चे को पढ़ानी है आपने साथ साथ थोड़ा सा बच्चे को बता देना है कि तहव्वुज में हम शैतान से वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम सैटन विद द हेल्प ऑफ तहव्वुज, इस तरह से छोटी सी आपने कुछ बोलना है। ज्यादा आपने डिटेल में नहीं बताना है क्योंकि ये हमारी असेसमेंट क्लास है, ठीक है। और ये भी आपको मैं बताती चलूँ कि सपोज आपने कहा अऊज़ु, बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, ठीक है, उसको नहीं आ रहा, उसको पढ़ना नहीं आ रहा, तो आपने उसको वहाँ करेक्शन ही उसकी कराने बैठ जाना कि अऊज़ु नहीं बेटा ऐसे नहीं, क्योंकि ये आपने माइंड में रखना है कि दिस इज एन असेसमेंट क्लास, कि असेसमेंट क्लास में आप ज्यादा पढ़ाने वाला सिस्टम नहीं शुरू करना, ठीक है। अगर बच्चा आप पढ़ नहीं पा रहा तो आपने जस्ट एक बार उसको बताकर अऊज़ु बिल्लाह ही मिनश्शैतान रजीम, ठीक है, तो आपने उसको समझाने नहीं लग जाना, जैसा पढ़ेगा ठीक है, आपने नेक्स्ट चलना है, बस आपने असेस करते जाना है कि बच्चा जो है वो कितना कर सकता है। हमने 4 पॉइंट भी कवर कर लिया जिसमें हमने तहव्वुज़ और तस्मिया पढ़ी, ठीक है। नेक्स्ट 5 पॉइंट पर भी मैंने आपको साथ ही कवर करवा दिया कि आपने बच्चे से को दुआ ऑफ इंक्रीज नॉलेज पढ़ाई, ठीक है। ट्रांसलेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्पेशली वो लोग ट्रांसलेशन को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। यहाँ पर तो हम ऐसे पढ़ लेते हैं, बच्चों को कुछ को पता होता है और कुछ को नहीं होता। ट्रांसलेशन आपने साथ साथ लाजमी करवानी है। कायदा स्टार्ट कर देना, ओपन कर लेना है कायदा, ठीक है, जैसे कि ये कायदा मेरे पास ओपन है। अब इसमें आपने करना ये, आप जूम मीटिंग यूज कर रहे होंगे जारी सी बात है, तो जूम मीटिंग में ऑप्शन है ड्रॉ का और उसमें आपने ड्रॉ करते जाना है और आपने ये बच्चे को कहना है कुड यू प्लीज रीड दिस फॉर मी, तरह से ये लेटर आपने कहना है कुड यू प्लीज रीड दिस फॉर मी, कुड यू प्लीज रीड दिस फॉर मी। सपोज दैट अगर बच्चा बहुत अच्छा बता रहा है, बच्चा इसको कह रहा है आइन, तो आपने कहना है वेरी गुड, गुड जॉब, साथ साथ उसको इंकरेज भी करते जाना है, एडमायर भी उसको करते जाना है। सपोज दैट एस आवर्ड कुड यू प्लीज रीड दिस फॉर मी, बच्चा चुप साइलेंट, या सपोज दैट बच्चे ने गलत पढ़ लिया तो आपने उसकी करेक्शन ही करनी क्योंकि ये असेसमेंट क्लास है, आपने जस्ट कहना है ओके। अगर बच्चे ने ये कोई और लेटर पढ़ दिया, इसको तोवा पढ़ दिया, तो आपने कहना है ओके, ओह नो यू आर बैड, इस तरह से नहीं कहना बल्कि उसको ओके इट्स ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। और अगर बच्चा गुड पढ़ रहा है, यानी उसने कहा दाल, उसने ठीक पढ़ा दाल, तो फिर आपने उसको कहना है वेरी गुड, गुड जॉब, वेल डन, इस तरह से आपने ये छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं ये साथ अप्रिशिएट करते जाना है, बच्चे को अप्रिशिएट इसको करते जाना। सपोज दैट ये सारी तख्ती हो गई, नेक्स्ट लेसन पर आ जाना, लेसन नंबर 1 हो गया, आपने लेसन नंबर 2 पर आ जाना, लेसन नंबर 3, जिस तरह से जहां बच्चा स्टॉप नहीं लगाता आपने उसको सुनते जाना है। सपोज दैट बच्चा लेसन नंबर 3 में आके फंस गया, इसका मतलब है कि आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि बच्चे को लेसन नंबर 1 और 2 आता है और 3 उसको नहीं आता, तो हमने 3 से स्टार्ट करना है। ओके, इज इट क्लियर? इंशाल्लाह अजीज, उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। चलें जी नेक्स्ट, जब आपने कायदा भी सुन लिया, कायदे के बाद आपने कैलिमाज और दुआज, ये देखे नाउ ओपन कैलिमाज एंड असेस देम हाउ मेनी दे नो। इसके बाद आप अपना कैलिमा स्टार्ट करेंगे, कैलिमा मैं अभी आपके सामने ओपन करके दिखाती हूँ, और इसके बाद यहाँ पर हम कैलिमाज के साथ फिर हम सप्लीकेशंस की तरफ आ जाएंगे, वो भी मैं अभी आपको ओपन करके दिखाऊंगी, वो आ जाएगी 8, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा 8 आ जाएगा। नाउ ओपन सप्लीकेशंस एंड असेस देम एंड आस्क देम हैव यू एवर डन दुआज बिफोर, ठीक है, आपने कुछ उससे पूछना भी है कि हैव यू एवर डन सप्लीकेशंस बिफोर, कि क्या आपने पहले सप्लीकेशंस या दुआज आपने पहले पढ़ी हुई हैं, तो बच्चा आपको बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो मौजूद है, जो मैं यूज करती हूँ, मैं आपको उसके दिखा देती हूँ। इसके बाद आपने कलमा निकाल लिया, ठीक, तो साथ साथ आपने थोड़ा बच्चे को इंगेज करते जाना है कि इट्स लुक गुड और इट्स अ ब्यूटीफुल पेज, आप इस तरह से बच्चे को तो मोटिवेट कर सकते हैं, वो कहेगा यस इट्स लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स ब्यूटीफुल, या जो भी वो उसके कहेगा। डू यू नो अबाउट द फर्स्ट कैलिमा, हैव यू रेड द फर्स्ट कैलिमा बिफोर, तो अक्सर वैसे फर्स्ट कैलिमाज बच्चों को आते होते हैं, तो वो कहेगा यस इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है, और फिर आपने इसकी ट्रांसलेशन उससे पूछ लेनी है। फिर अगर सपोज दैट कि फर्स्ट कैलिमा उसको आ गया, तो आपने सेकंड पर आ जाना है, इसी तरह से थर्ड पर आ जाना है,
जिस गली में पर वो रुक गया तो फिर आपने वो समझ लेना है कि बच्चे को मैंने जो करवाना है वो मैंने यहाँ से करवाना है। ये है असेस करने का तरीका। नेक्स्ट कलिमास के बाद अब हम आ जाएंगे दुआज पर, ठीक है, डेली सप्लिकेशंस। तो आप ये कह सकते हैं, हैव यू एवर रेड द सप्लिकेशंस बिफोर, डू यू नो व्हाट आर सप्लिकेशंस, ठीक है। इस तरह से आप बच्चे से थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और जिस तरह से ये सप्लिकेशन निकाल लिया हमने, तो आप ये कह सकते हैं, सबसे पहले जिस तरह से पिक्चर्स के साथ आप पढ़ाएं बच्चे को, जैसे कि ये पिक्चर आई है, तो आप ये कह सकते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट पिक्चर, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिस पिक्चर। आप ये कह सकते हैं बच्चे से, पूछ सकते हैं कि इस पिक्चर की तरफ आप अंदाजा लगा के बताएं कि पिक्चर में आखिर क्या हो रहा है। वो कहेगा आई थिंक बॉय इज लीविंग द होम, इस तरह से वो कुछ ना कुछ आपको आंसर दे देगा। फिर आप उसको अप्रिशिएट करिए, यस वेरी गुड, यू आर अ गुड बेबी, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट, या जो भी गर्ल है, यू आर अ गुड गर्ल। तो इस तरह से आप फिर अपनी, यानी कि उसको इंगेज करना है, उसको अपने साथ इंगेज करना है कि बच्चा क्लास लेते हुए, जब वो असेसमेंट क्लास इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, कि अगर इस क्लास में बच्चा आपके साथ इंगेज हो गया तो वो लाजमी आपके साथ आगे चलेगा, ठीक है। आपने इस क्लास को अच्छे से प्रिपेयर करके इस क्लास को आपने देना है। तो फिर उसके बाद फिर आपने आ जाना है कि यस यू आर सेइंग करेक्ट, दिस इज द दुआ, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द दुआ व्हेन लीविंग द होम, ठीक है। तो इस तरह से आपने फिर नीचे अपनी दुआ की तरफ आ जाना है। तो बच्चे को दुआ एक बार, यानी कि उससे पूछ लेना है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अगर वो उसको समझ में आ, वो कहेगा कि मुझे आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपने उसको अभी पढ़ाना नहीं है, आपने नेक्स्ट आ जाना है, ये इस दुआ की तरफ आ जाना है, बता देना है कि ये क्या हो रहा है, पिक्चर आपने पूछ लेना है। वो जो भी कहेगा फिर आपने कहना ओके वेरी गुड। ये भी हो सकता है कि अगर आप कहेंगे कि कुड यू प्लीज रीड सम सप्लिकेशंस फॉर मी, कि इसका यानी कि अगर वो आप ये कहेंगे कि आपको अगर कोई दुआ आती है तो आप वो बता दें, ठीक है। तो बच्चा अगर कोई एक दो बता देगा तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गई हमारी सप्लिकेशंस का टेस्ट। अब इस दौरान हमने अपने 15 मिनट्स क्रॉस कर लिए, हमारा असेसमेंट क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट 15 मिनट्स में हमने क्या करना है वो इंशाल्लाह अजीज में, आपको वीडियो काफी लंबी हो रही है तो इतना आपको मैंने बताया है, तो आपने ट्राई करना है कि जो जो भी ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट इजीली ले लीजिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, इनको आप माइंड में रखिए, क्योंकि असेसमेंट क्लास, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मोस्ट फेवरेट क्लास, इम्पॉर्टेंट क्लास, ओके। अगर इस क्लास में बच्चा आपके साथ एंगेज हो गया, वो सेटिस्फाई हो गया, तो वो बच्चा आपके साथ आगे पढ़ने के लिए तैयार होगा, ठीक है। जजाकल्ला, मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद करना है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए। ये कोर्स आपको 20 to 30,000 में करवाते हैं, जो प्रोफेशनल है, एक्चुअली ये प्रोफेशनल कोर्स है, और ये कोर्स है ही स्पेशल उन तलबा को पढ़ाने के लिए जो कि आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड के हैं, ठीक है, UK, USA, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो जजाकल्ला, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, और मिलते हैं इंशाल्लाह अज़ीज़ नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।